यहाँ पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ऑल न्यू 2022 सुजुकी एवेनिस 125cc सेगमेंट वाली ये स्कूटर है जिसको रिसेंटली सुजुकी कंपनी ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है। आज इसको मैं चलाऊंगा और ये देखूंगा कि ये चलाने में कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, इसका पिकअप कितना है। 125cc सेगमेंट वाली स्कूटर है तो क्या ये एक्टिवा से एक्सेस से अच्छी है चलाने में, तो सभी चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा कुबेरा सुजुकी को। नासिक में सुजुकी का शोरूम है, अगर आपको सुजुकी की किसी भी बाइक के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर स्कूटर के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको लेनी है तो आप इस शोरूम को विजिट कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले इसके एक्सटर्नल लुक के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो स्टाइलिंग है ये आपको कम्प्लीटली न्यू देखने को मिल जाएगा, यानी इसका एक्सटर्नल लुक काफी ज्यादा स्पोर्टी रखा हुआ है। इसके अंदर बहुत ही शार्प एजेस और कट्स का इस्तेमाल किया हुआ है और ये चीज़ इस स्कूटर की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ये दिखने में काफी बढ़िया लगती है। इसका रोड प्रेजेंस काफी बढ़िया है। इसको 3 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है, हालांकि रिव्यू के लिए मैंने व्हाइट वाला कलर चुना क्योंकि ये दिखने में काफी बढ़िया लग रहा था। इसके फ्रंट फीचर के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको वाइजर मिलने वाला है छोटा सा, जिसके ऊपर ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। इसका भी डिजाइन काफी बढ़िया है। इसके अलावा इसके साइड में आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, हालांकि हैलोजन इंडिकेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको अच्छे खासे इंडिकेटर्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसका जो हेडलाइट का सेटअप है उसकी पोजीशन नीचे करी गई है। इसके अंदर आपको LED DRL का सेटअप भी मिल जाएगा और इसके अंदर आपको फुल LED हेडलाइट का सेटअप मिलने वाला है। हालांकि इसके लोअर बीम और हायर बीम की इंटेंसिटी काफी बढ़िया है और इसका लाइटिंग सेटअप का जो डिजाइन है इसको भी काफी ज्यादा यूनिक रखा हुआ है। लाइटिंग सेटअप के ऊपर आप थोड़ा सा ब्लैक कलर वाला पैटर्न देख सकते हैं, वो भी देखने में थोड़ा सा कूल लगता है। इसके अलावा इसके फ्रंट की जो मडगार्ड है इसका साइज भी काफी वाइडर रखा हुआ है। वही साइड प्रोफाइल की बात करो तो आप इसका साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं, साइड से भी दिखने में काफी ज्यादा क्लियर लगती है। इसके अंदर कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है साइड में, वो थोड़े से स्पोर्टी रखे गए हैं और यहाँ पर आप सुजुकी की बैजिंग देख सकते हैं फ्लोर बोर्ड के नीचे। इसके अलावा इसके साइड में भी आपको ड्यूल टोन कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हालांकि ये जो ड्यूल टोन कलर वाला कॉम्बिनेशन है ये दिखने में थोड़ा सा हटके लगता है। और इसके जो शार्प एजेस है और इसके जो कट्स दिए गए हैं इस स्कूटर के अंदर, ये इस स्कूटर को थोड़ा सा खास बनाते हैं, थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। इसके अलावा इसका जो फ्लोर बोर्ड है वो थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, जिसकी मदद से आपको लेग रूम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैंने इसको चलाया है, चलाते वक्त बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ था, लेग रूम आपको अच्छी खासी मिल जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो इसके सीट्स भी आपको काफी वाइडर मिलने वाले हैं, हालांकि पिलियन के ऊपर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि पिलियन में सिद्धार्थ बैठा था तो उसको भी बहुत ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा था, तो इतनी ज्यादा दिक्कत इसके सीट्स के ऊपर हमें देखने को नहीं मिलेगी, काफी कंफर्टेबल सीट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। वही अब बात करते हैं इसके व्हील्स के बारे में। इसके फ्रंट में 12 इंचेस के व्हील्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा इसके रियर में आपको 10 इंचेस के व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और रियर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। हालांकि चलाते वक्त ब्रेकिंग में मुझे इतना भी ज्यादा इशू नहीं लगा, दोनों ही ब्रेक काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं और फ्रंट वाला जो ब्रेक है वो आपको काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स देने वाला है। इसके अलावा इसके फ्रंट फीशिया में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का यूज किया हुआ है जो कि काफी बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं और रियर में स्विंग आर्म टाइप के सस्पेंशन दिए हुए हैं जो कि स्टिफर साइडर है, तो ये एक चीज है। इसके अलावा इसके साइलेंसर के ऊपर आपको स्पोर्टियर डिजाइन वाला मफलर देखने को मिल जाएगा और इसकी वजह से इसके जो साइलेंसर है वो दिखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, थोड़ा सा स्पोर्टियर लगता है, तो ये एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पिलियन राइडर के साइड में आपको एवेनिस की 3D ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी ब्लैक कलर के साथ, ये भी दिखने में थोड़ी सी कूल लगती है। वही इसके रियर फीशिया की अगर मैं बात करूँ तो इसके रियर के फीशिया में आपको LED टेललाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। इस स्कूटर के अंदर सिर्फ आपको हैलोजन के इंडिकेटर्स मिलेंगे, लेकिन जो टेललाइट है और जो हेडलाइट है ये आपको कम्प्लीटली LED फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा, ये एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सीट के नीचे आपको 21.8 लीटर का स्टोरेज मिलने वाला है, जिसके अंदर आप अपना हेलमेट और बाकी की चीजें रख सकते हैं या फिर आप अपना बाकी का सामान उसके अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे खासी स्पेसिंग इसके अंदर ऑफर करी गई है और आगे भी आपको थोड़ी सी स्पेसिंग मिलने वाली है ग्लव बॉक्स के राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक USB पोर्ट मिलने वाला है। तो इस स्कूटर के अंदर आपको फ्रंट में भी स्टोरेज मिलने वाला है और सीट के नीचे लगभग आपको 21 लीटर का स्टोरेज मिलने वाला है। इसके अलावा इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको एक छोटा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन आप अपने स्मार्टफोन को इस स्कूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी बढ़िया फीचर इसके अंदर आपको ऑफर किया जाता है। और इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर कॉल के अलर्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे, SMS के अलर्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे,
व्हाट्सएप मैसेजेस के अलर्ट्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे और इसके अलावा बाकी फीचर्स आपको मिलने वाला है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, वो है इसका इंजन स्पेसिफिकेशन। सुजुकी कंपनी ने इसको 125 सीसी सेगमेंट में उतारा है और इसका मुकाबला इंडिया में होगा एनटॉक के साथ। इसके अंदर 124.3 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि लगभग 8.7 पीएस की पावर आउटपुट और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। तो यहाँ पर इसका जो पिकअप है काफी ज्यादा क्विक है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। पिकअप के अंदर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। इसके अलावा चलाने में काफी बढ़िया लगती है, इसके सस्पेंशन काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं और इसके ब्रेकिंग से इसका रिस्पॉन्स काफी बढ़िया था, तो चलाते वक्त मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसका पिकअप काफी बढ़िया है एज कम्पेयर टू अदर स्कूटर्स, आपको डेफिनेटली इसके अंदर अच्छा पिकअप और अच्छा खासा माइलेज देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लगभग 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है और इसकी सीट हाइट लगभग 780 मिलीमीटर की है, तो बैठने में तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। और जितने भी लेडीज है, जितने भी वुमन्स है, उनको मतलब इसके ऊपर बैठने में और हाइट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा अगर लड़के भी इसको चलाते हो, मतलब कॉलेज स्टूडेंट वगैरह इसको चलाते हैं, तो यहाँ पर सीट हाइट के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये एक चीज़ कन्फर्म है। इसके अलावा इस स्कूटर का टोटल वेट है 106 kg का और इसके अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है 5.2 लीटर की। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने मिस आउट कर दी, इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे फ्रंट में भी और रियर में भी। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके कीमत के बारे में। इस स्कूटर की जो कीमत है यहाँ पर, यानी नासिक में इसकी जो कीमत है वो है लगभग 88,000 रुपीज। आपकी सिटी के हिसाब से इसकी जो ऑन रोड कीमत रहेगी वो थोड़ी सी अलग रहेगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये छोटा सा रिव्यू वीडियो था, चलाते वक्त मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। इसका पिकअप काफी बढ़िया है, ब्रेकिंग रिस्पॉन्स काफी बढ़िया था, इसके अलावा इसके सस्पेंशन काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और डिजाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एक्सटीरियर लुक है ये कम्प्लीटली फ्रेश लुक आपको मिलने वाला है। फ्रंट से, साइड से और रियर से दिखने में ये काफी बढ़िया लगती है, इसका रोड प्रेजेंस काफी जबरदस्त है। तो आपको ये एवनेस कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना,